कानपुर की विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा समाजवादी पार्टी ने किया है। महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जोहित सिंह का कहना है कि सपा सबको जोड़कर चल रही है और इसीलिए कानपुर के सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सपा की सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। योगी सरकार के मुफ्त राशन देने के बयान पर सपा नेत्री ने कहा कि योगी जी सीरियस व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए सपा उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती और ना ही कोई टिप्पणी हम करते हैं। इसके बाद उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि आप योगी जी की बातों को छोड़कर सपा की इतनी सारी महिलाएं कार्यक्रम में आई हैं, उन पर बात करें। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि वो अपनी बातों का अर्थ समझते नहीं है। महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह कानपुर के नवीन मार्केट में बने सपा कार्यालय पहुंची थी, जहां पर सपा विधायकों ने उनका स्वागत करने के बाद प्रतीक स्वरूप में साइकिल भेंट की। आने वाले आगामी चुनाव को लेकर सपा क्या तैयारी कर रही? आज बारिश में भी समाजवादी पार्टी के सारे विधायक सारे कार्यकर्ता हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं। हम सबको जोड़ कर चल रहे हैं और कानपुर की ऑलरेडी बहुत 3 सीटों पे हमारे विधायक हमारे साथ खड़े हैं, अमिताभ वाजपेयी जी यहाँ से जीते हैं, तो सब सीटों पे हम जीत दर्ज करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, यही हमारा मकसद है। योगी जी का एक बयान आया है कि भाजपा सरकार में अब लोगों को राशन मिल रहा है, पिछली सरकार में जो राशन था वो अब्बा जान खा जाते थे। देखिए वो नॉन सीरियस व्यक्ति हैं, उनकी बातों पे गंभीरता से ना हम लोग लेते हैं ना टिप्पणी करते हैं, अपना काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी समाजवादी गैदरिंग है, महिलाएं हैं, हमारी महिलाओं के बारे में बात करें। उन्होंने ये मतलब क्या है, किसके ऊपर निशान क्या मानती है कि पिछली सरकार जो सपा की थी निशाना किसके ऊपर साधा? ये तो वही बताएंगे ना, वो अक्सर अपनी बातों का अर्थ समझते नहीं है, तो उन्हीं से पूछ लीजिए। हम आज केवल समाजवादी पार्टी की महिला शक्ति, अपने विधायकों और कानपुर की सब सीटों को जीतने की रणनीति बनाएंगे।